भगवान जब प्रकट होते हैं, लीला करते हैं और फिर उनकी लीलाओं को, कथाओं को जब भक्त बैठकर श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, कथा सुनाते हैं और कथा सुनते हैं, तब जीवों का कल्याण होता है और तब उन्हें समझ में आता है कि हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है और जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तभी तो वे भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो यह बात बताने के लिए भगवान इस जगत में आते हैं। और एक कारण है कि जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जैसे शबरी हैं, जैसे ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, यदि भगवान स्वयं न आए तो इन भक्तों का क्या होगा। जो शबरी कई कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं कि मेरे राम आएंगे, घनश्याम आएंगे, तो उन शबरी का क्या होगा। जो प्रहलाद महाराज इतने कष्ट सहन करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, यदि भगवान न आए तो इन प्रहलाद जी का क्या होगा। जो ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, यदि भगवान न आए तो उन ध्रुव जी का क्या होगा। तो जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो यशोदा मैया है, नंद बाबा है, ग्वाल बाल है, इनको आनंद कौन देगा। इनको आनंद भगवान अपने धाम में बैठकर अपने संकल्प से नहीं दे सकते। भगवान अपने संकल्प से असुरों को मार सकते हैं, भगवान अपने संकल्प से दुष्टों का विनाश कर सकते हैं, साधुओं की रक्षा कर सकते हैं, धर्म की संस्थापना कर सकते हैं, लेकिन अपने संकल्प से इन प्रेमी भक्तों के प्रेम को तुष्ट नहीं कर सकते। इन भक्तों के लिए तो भगवान को अवतार लेकर आना ही पड़ेगा, लीला करनी ही पड़ेगी, इन ग्वाल बालों के साथ खेलना ही पड़ेगा, गोपियों के साथ नित्य विहार करना ही पड़ेगा, तभी ये प्रसन्न होंगे। तो भगवान भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, दया करते हैं, प्रेम करते हैं, इसीलिए अपने सच्चिदानंदमय चिन्मय दिव्य धाम को छोड़कर इस मृत्यु लोक में भी आने को तैयार हो जाते हैं। ये भगवान की भक्त वत्सलता ही तो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।